हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, इससे आपको केवल कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमें आंसर देना होता है अबाउट 30 वर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, ये लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, अर्थात पिछले अनेक रातों की तरह। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पिछले अनेक रातों की तरह, शंकु could not get any sleep that night, अर्थात शंकु उस रात भी सो नहीं पा रहा था। यहाँ पे शंकु के बारे में बताया गया है। शंकु की एक स्टोरी है जो कि एक वर्कर है एक फैक्ट्री में, और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और कर्ज में डूबा हुआ है। तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात हुई है कि as on many previous nights, अर्थात पिछले अनेक रातों की तरह, शंकु could not get any sleep that night, शंकु उस रात भी सो नहीं पा रहा था। He turned and tossed in his bed, यानी कि वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। But it was no use, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। It was no use का मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। The more he thought, अर्थात वह जितना अधिक सोचता, the worse he felt, वह उतना ही बुरा महसूस करता। यहाँ पे worse क्या है? Worse bad का comparative degree है। तो he closed his eyes, उसने अपनी आँखें बंद की। एंड ले ऑन हिज टॉन मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। टॉन का मतलब फटी हुई। तो ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले ऑन हिज टॉन मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी वह यह सब इतना क्लियर, इतना स्पष्ट देख रहा था जैसे कि दिन में देख रहा हो। यानी कि आंखें बंद करके वो ये सब देख रहा था, तो ये सब अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली, और फिर भी वो यह सब इतना स्पष्ट देख रहा है, एज ड्यूरिंग द डे, जैसे कि दिन में दिखाई देता है। और क्या देख रहा है? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, अर्थात सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा। डिजर्टेड का मतलब है सूना पड़ा हुआ, रेगिस्तान से लिया गया है। जैसे रेगिस्तान सूना पड़ा होता है, तो डिजर्टेड का मतलब कहेंगे सूना पड़ा हुआ ऑफिस रूम, यानी दफ्तर का कमरा। When everyone had gone out for rest or for lunch, अर्थात जब सभी लोग रेस्ट यानी आराम के लिए या फिर दोपहर के भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। The glass window was only partly closed, अर्थात शीशे की खिड़की केवल थोड़ी सी ही बंद थी। Partly का मतलब है थोड़ी सी। शीशे की खिड़की केवल थोड़ी सी ही बंद थी। On one end of the table, inside were a few fat volumes, अर्थात मेज के एक कोने पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी। यहाँ पे fat volumes का मतलब मोटी मोटी किताबें हैं। On one end of the table, अर्थात टेबल के एक किनारे पर, were a few fat volumes, कुछ मोटी मोटी किताबें थी। At the other end, और दूसरे किनारे पर, a pen, एक पेन था। An ink bottle, और एक स्याही की बॉटल थी। And so forth, और ऐसे ही कुछ चीज़ें थी। एंड सो फोर्थ का मतलब है और ऐसे ही कुछ चीज़ें थी, वगैरह वगैरह। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच, और बीच में एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चेन, और जिसकी जंजीर भी सोने की थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, और वह एक किताब पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो, अर्थात खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, और अपना हाथ एक फुट आगे बढ़ाओ। खिड़की को खोलो और अपना हाथ एक फुट आगे बढ़ाओ। स्ट्रेच का मतलब फैलाना होता है, अपना हाथ एक फुट आगे फैलाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उस घड़ी को उठा सकते हो। पिक अप का मतलब उठाना। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उस घड़ी को उठा सकते हो। अर्थात जो शीशे की खिड़की आधी खुली हुई थी, वहाँ से भी अगर हम अपना हाथ एक फुट आगे बढ़ाते, तब भी वो जो घड़ी मेज़ पर रखी हुई थी वो हमारे हाथ में आ जाती। ये यहाँ पे कहा गया है। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, अर्थात सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं। नो बडी विल नो, और किसी को भी पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, अर्थात शंकु ने अपनी कोशिशों को याद किया। ये अभी अपनी चटाई पर लेटे हुए ये सब सोच रहा है। तो शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, अर्थात शंकु ने अपनी कोशिशों को याद किया। His cowardice, अपनी कायरता को याद किया। And his vacillation, और अपनी हिचकिचाहट को याद किया। यहाँ पे vacillation का मतलब हिचकिचाहट। During the past few days, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हो रहा था।
अर्थात शंकु ने अपने पिछले कुछ दिनों की कोशिशों को, कायरता को और हिचकिचाहट को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, और उस समय वहाँ उसने कभी किसी को नहीं देखा था। अर्थात जब भी वो घड़ी चुराने की कोशिश करता था तो उस समय उसने कभी भी किसी को नहीं देखा था वहाँ पे। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वह डर रहा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वह डर रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, यानी कि वह कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और बेचैन हो जाता था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। दैट वॉज वाई, अर्थात इसीलिए ही हैड रिफ्रेन, वह रुक जाता था फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी लेने से। एवरी टाइम, हर बार, और इसी वजह से वह हर बार घड़ी लेने से रुक जाता था, क्योंकि वो कांपने लगता था और बेचैन हो जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अब वो सोच रहा है कि इट वुड नॉट डू, अर्थात इससे काम नहीं चलेगा। टू पुट इट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, अर्थात टाल मटोल करना, कोई काम आज का है वो कल पे टाल देना। नो एनी लॉन्गर का मतलब है और अधिक समय तक, अर्थात अब और अधिक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और ज़्यादा सोचता और अधिक सोचता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, तो वह कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और अधिक सोचता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, तो वह कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, अर्थात वह दुर्घटनावश अपने इरादे को भी किसी से बता सकता था। ब्लर्ट आउट का मतलब क्या है, कि अचानक मुंह से निकल जाना, तो वह अचानक किसी से अपनी योजना भी बता सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे वह घड़ी कल अवश्य ले लेनी है। वो ये सब सोच रहा है, और फिर बाद में सोचता है कि सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि वह नहीं चुरा पाया तो। अब आगे देखते हैं। शंकुज थॉट्स, अर्थात शंकु के विचार, बिगेन टू लिंगर, अर्थात मडराने लगे, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उसके जीवन के कष्टदायी समस्याओं के आसपास। शंकुज थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अर्थात शंकु के विचार अपने जीवन के कष्टदायी, थॉर्नी का मतलब है कष्टदायी, और प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के, ओवर का मतलब है आसपास, लिंगर मडराने लगे, अर्थात वह अपने जीवन की कष्टदायी समस्याओं के बारे में सोचने लगा। अब क्या सोचता है, कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अर्थात कल महीने का तीसरा दिन हो जाएगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन हो जाएगा। इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट हिज पे, और अगले 3 दिनों में वह अपना वेतन पाएगा। इन अनदर 3 डेज ही वुड गेट हिज पे, पे का मतलब वेतन भी होता है। अगले 3 दिनों में वह अपना वेतन पाएगा, और कितना पाएगा, 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, यानी कि 13 दिन के लिए 13 रुपये, अर्थात उसे 1 दिन का 1 रुपया मिलता था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट दी स्टोर, अर्थात उसे एक दुकान पर खरीदारी की गई चीज़ों के लिए 4.5 रुपये चुकाने थे। और यहाँ पे बताया गया है आगे कि वह कितना उधार था, किन किन लोगों का कितना पैसा उधार था। तो ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, अर्थात उसे दुकान पर खरीदारी की गई चीज़ों के लिए 4.5 रुपये चुकाने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और अब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। बैलेंस का मतलब बचा हुआ पैसा, तो देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, अब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of the 10 rupees ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। तो ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees, अर्थात उसने केवल 10 में से 5 रुपये ही चुकाया था। आउट ऑफ 10 का मतलब 10 में से 5, यानी 5 रुपये, रीपेड का मतलब चुकाया था। ही हैड बोरोड, जो उसने उधार लिया था फ्रॉम द फंड, यानी कि फंड से, द प्रीवियस मंथ, यानी कि पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अर्थात पिछले महीने जब वह अपनी माँ की बरसी पर जा रहा था तो उसने फंड से 10 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से केवल 5 रुपया ही चुकाया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, अब सोचता है कि नहीं, उसे वो शेष
₹5 अवश्य ही जमा करने हैं विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक, जिस पर एक हफ्ते में ₹1 पर 6 पैसा ब्याज लगता था। यानी कि एक हफ्ते में ₹1 पर 6 पैसे ब्याज सहित उसे वे ₹5 अवश्य ही चुकाने होंगे। एट द टी शॉप ही ओड ओवर ₹3, यानी कि चाय की दुकान पर वह ₹3 से अधिक उधार था। फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते का। एट द टी शॉप ही ओड ओवर ₹3 फॉर 2 वीक्स, अर्थात चाय की दुकान पर वह 2 हफ्ते का ₹3 से अधिक उधार था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंट टू ₹1.5, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, और एरियर्स का मतलब है पिछला बकाया। इसके अलावा ₹1.5 उसका पिछला बकाया था उस दुकान पर, चाय की दुकान पे। ही ओड ₹6 टू अली, उसने ₹6 अली से उधार लिए थे। और किस लिए? फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीडीज एंड अदर ओट्स एंड इंस, अर्थात उसने चावल बीड़ी और अन्य सामानों के लिए ₹6 अली से उधार लिए थे। 1 month's हाउस रेंट वॉज ₹3, और 1 महीने के कमरे का किराया, घर का किराया ₹3 था। इन एडिशन टू दीज सम्स, अर्थात इन धनराशियों के अलावा भी, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटे छोटे उधार लिए थे ऑफ 12 पैसे, यानी कि 12 पैसे, 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे, एंड 50 पैसे और 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, अर्थात कई लोगों से। अर्थात इन सब धनराशियों के अलावा भी उसने कई लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे उधार लिए हुए थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया था 2 days बिफोर, अर्थात 2 दिन पहले, अबाउट द 1 rupee, उस 1 रुपये के बारे में याद दिलाया था, टू बी पेड टू द फिश वूमैन, जो उसे मछली वाली औरत को देने हैं। और उसकी बीवी ने उसे 2 दिन पहले ही याद दिलाया था कि उसे 1 रुपये मछली वाली को देने हैं। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु मेंटली का मतलब है शंकु मन ही मन एडेड अप, यहाँ पे मेंटली का मतलब वो पागल नहीं है, मेंटली का मतलब मन ही मन। शंकु ने एडेड अप, यानी कि जोड़ा द टोटल अमाउंट, उस पूरी धनराशि को, दैट ही नीडेड, जितना उसे ज़रूरत था। ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 rupees, अर्थात जो उसे जो पैसे मिलने वाले थे वो केवल 8.5 रुपये थे। वॉट ही ओड, और वो जो उधार था वॉज 22.13 rupees, यानी कि वो 22.13 rupees थे। अर्थात उसे 8.5 रुपये मिलने वाले थे और 22.13 rupees वो उधार था। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी अन्य ज़रूरतें भी थी। ही हैड बारोड 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये अपनी बीवी से भी उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, अर्थात यह वह धनराशि था, शी हैड स्लोली सेव्ड अप, जिसे उसने धीरे धीरे बचा कर रखा हुआ था, नाउ एंड देन, यानी इधर उधर से, इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। ये वे पैसे थे जिसे उसकी बीवी ने इधर उधर से धीरे धीरे बचाकर अपने छोटे बेटे के लिए, छोटे बच्चे के लिए करधन खरीदने के लिए लिया हुआ था। वेस्ट चेन का मतलब यहाँ पे करधन से है। ही हैड अस्योर्ड हर, अर्थात उसने उसे विश्वास दिलाया था। अस्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। शंकु ने अपनी बीवी को विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाय इट, कि वह करधन खरीद देगा आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, अर्थात उस महीने वेतन मिलने पर। शंकु ने अपनी बीवी को यह विश्वास दिलाया था कि उस महीने वेतन मिलने पर वह बच्चे के लिए करधन खरीद देगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, और शंकु का हृदय अनियंत्रित रूप से तेज धड़क रहा था, यानी कि बहुत तेज धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और उसकी धड़कनों के मध्य, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी, अर्थात अपनी धड़कनों के मध्य वह चाय की दुकान के मालिक को चुन्नी के कड़वी बातों को सुन सकता था। ही कुड हियर, वह सुन सकता था द हार्श वॉइस, यानी कड़वी बातों को, ऑफ द टी शॉप ओनर, यानी कि चाय की दुकान के मालिक को चुन्नी की, अपनी धड़कनों के मध्य वह चाय की दुकान के मालिक को चुन्नी की कड़वी बातों को सुन सकता था। अलीज हॉलो लॉफ्टर, और अली की खोखली हंसी को सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरीटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वॉज इंचार्ज ऑफ द फंड, और फंड के इंचार्ज लोनप्पो की
इरिटेटिंग टॉक यानी परेशान कर देने वाली बातें और भद्दी गालियां उसे सुनाई दे रही थी। वल्गर वर्ड्स का मतलब गालियों से है। तो अपनी धड़कनों के बीच वह चाय की दुकान के मालिक को चुन्नी की कड़वी बातों को सुन रहा था, अली की खोखली हंसी को सुन रहा था और जो फंड के इंचार्ज थे लोनप्पो उनकी परेशान कर देने वाली बातें और गालियों को सुन रहा था। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। ही फेल्ट उसे ऐसा लग रहा था कि वे सभी उसे शरारती बच्चों की तरह घेरे हुए हैं। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। उसे ऐसा लग रहा था कि वे सभी उसे उपद्रवी बच्चों की तरह चारों ओर से घेरे हुए हैं, आर्म्ड विद स्टिक यानी कि हाथ में डंडा लेकर। उसे ऐसा लग रहा था कि वे सभी हाथ में डंडा लेकर उपद्रवी बच्चों की तरह उसे आवारा कुत्ते की तरह और स्ट्रे डॉग यानी कि एक आवारा कुत्ते की तरह घेरे हुए हैं। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा हुए हैं। अब इसके बाद कहता है व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बीच में जैसे आवारा कुत्ते होते हैं बीच में और चारों ओर से उपद्रवी बच्चे डंडा लेकर घेरे होते हैं, उसी प्रकार से लग रहा था कि जिनका वो उधार था वो सभी लोग उसे उन बच्चों की तरह घेरे हुए हैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल अर्थात जब उसे यह असहनीय लगा, जब उससे सहन नहीं हुआ, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, तो शंकु अपने पेट के बल लेट गया। फाइंडिंग इट अनबियरेबल अर्थात जब उससे सहन नहीं हुआ, अनबियरेबल का मतलब असहनीय, जब उसे यह सब असहनीय लगा, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, तो शंकु अपने पेट के बल लेट गया एंड थॉट, और फिर सोचने लगा। अभी तक वो केवल सोच ही रहा अपनी फटी हुई चटाई पर लेट कर, तो फिर सोचने लगा क्या, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टमोरो। वो सोचता है कि मेरे पास कल उस घड़ी को उठाने के अलावा और कोई भी चारा और कोई भी विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है, तो आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है बट टू पिक इट अप टमोरो, उस घड़ी को कल उठाने के अलावा। फिर सोचता है कि विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या उस घड़ी से 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे, एट लीस्ट यानी कम से कम, उस घड़ी से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे। और फिर सोचता है कि इवन 15 विल डू, केवल 15 से भी काम चल जाएगा, अगर 15 रुपये मिलते हैं तब भी काम चल जाएगा। 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। वो अपने मन में ही काउंट करता है कि 8.5 और 15 रुपये मिलाकर 23.5 रुपये होते हैं। 15 + 8.5 यानी कि 15 और 8.5 रुपये मिलाकर दैट इज़ 23.5 रुपीज़, 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फैच मोर दैन 15, और फिर सोचता है कि उस घड़ी से 15 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, वह अपना उधार चुकाने के योग्य हो जाएगा एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और एक उधार मुक्त जीवन जिएगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और एक राहत की सांस के साथ वह गहरी नींद में सो गया। अ लाइफ विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ अर्थात एक राहत की फीलिंग के साथ, विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप अर्थात एक राहत की सांस लेकर वह सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी, तभी क्या हुआ कि वॉट आर यू स्टिल अस्लीप, शंकूज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, अर्थात शंकु की बीवी ने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए, शेकिंग हिज शोल्डर्स यानी कि उसका कंधा हिलाते हुए, जेंटली यानी धीरे से, शंकूज वाइफ सेड, शंकु की बीवी ने कहा, और क्या कहा, वॉट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या तुम अभी सो रहे हो, क्या तुम अभी तक सो रहे हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज अर्थात सूरज कब का निकल गया। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज का मतलब है सूरज कब का निकल गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, और शंकु ने अचानक अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर। हिज वाइफ उसकी बीवी ने पिक्ड अप यानी उठा लिया द यंगर चाइल्ड उस छोटे बच्चे को, हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर जो रेंगते हुए उसके पास आ रहा था।
रेंगते हुए का मतलब क्या है कि वह घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आ रहा था, उस बच्चे को उसकी बीवी ने उठा लिया। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, उसकी बीवी ने शंकु से पूछा कि डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड, उसने कहा कि अरे हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, इन अ हरी का मतलब वह जल्दी में आंगन की ओर भागा। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, वह जल्दी जल्दी आंगन की ओर भागा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लश बम्बू फोलियज ऑन द ईस्टर्न साइड, अर्थात सूरज की किरणें, वॉचिंग का मतलब देखते हुए, किसे देखते हुए, सूरज की किरणों को देखते हुए, जो सुबह की सूरज की किरणों को देखते हुए, पियर्सिंग का मतलब जो भेद रही थी, भेदने का मतलब आर पार होना, द लश बम्बू फोलियज का मतलब है बांस के झुरमुट जो होते हैं, बांस के पत्तों का जो झुरमुट होता है, अर्थात वह सूरज की किरणों को देखते हुए अपने आंगन की ओर भागा जो बांस के झुरमुट को पूरब की ओर से भेद रही थी और पुराने खजूर के पत्ते के छप्पर को चमका रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरह, उसने अपना हाथ मुंह धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और काम पर जाने वाला अपना कपड़ा पहना। एंड वॉज अबाउट टू लीव, और निकलने ही वाला था फॉर द फैक्ट्री, अर्थात फैक्ट्री के लिए। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी बीवी ने कहा, क्या कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कोई मलहम अवश्य लाना होगा। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, अर्थात उसने उसकी ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। कमांडिंग लुक का मतलब जैसे आदेश देते हुए उससे कहा कि तुम्हें बच्चे के लिए कोई मलहम अवश्य लाना होगा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वॉज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रेसम वे। शंकु फेल्ट, अर्थात शंकु को ऐसा लगा, दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के शरीर पर हुई सभी फुंसियाँ, सोर्स का मतलब फुंसियाँ हैं, वॉज स्टेयरिंग एट हिम, उसे घूर रही थी, इन अ ग्रेसम वे का मतलब तीखी नज़रों से, गुस्से से घूर रही थी कि उनके लिए मलहम नहीं ला रहा है वो। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, यानी कि एक पल शांति में बीता, और उसके बाद वो कहता है कि वॉट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, अर्थात कैसा मलहम। कुछ देर शांत रहने के बाद शंकु कहता है वॉट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, अर्थात कैसा मलहम। शंकु आस्क लाइक अ फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा। फिर उसकी बीवी कहती है ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, यानी कि फुंसियों वाला मलहम, कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी बीवी ने कहा कि फुंसियों वाला मलहम। फिर कहती है उसकी बीवी कि यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने बच्चे के शरीर पर हुई फुंसियाँ नहीं देखी हैं। अब शंकु कहता है कि यस, हाँ, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ अपॉइंटमेंट, और फिर पूछता है कि कितने पैसे वाला मलहम। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, अब उसकी बीवी ने कहा कम से कम 13 पैसे वाला मलहम। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, वो कहती है कि हमें उसे कम से कम 3 दिन ज़रूर लगाना होगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, हमें उसे कम से कम 3 दिन ज़रूर लगाना होगा। अब शंकु कहता है ये जो HM यहाँ पे आया है उसका मतलब क्या है, जैसे लोग हुंकारी बढ़ते हैं। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड का मतलब क्या है, सिर झुकाकर। शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु चलने लगा, सिर झुकाकर शंकु चलने लगा। तभी क्या हुआ, फिर उसकी बीवी ने कहा कि प्लीज़, यानी कि कृपया सुनो। शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, और उसने धीमी आवाज़ में कहा, यानी कि प्यार से कहा उसने। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, और उसने सज्जनता से कहा या धीरे से कहा, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas, कृपया 2 पके केले ले आना। When you come back in the evening, जब तुम शाम को वापस आना, वो कहती है कि जब तुम शाम को वापस आना तो कृपया 2 ripe bananas यानी कि पके केले ले आना। The baby starts crying at night, बच्चा रात में रोने लगता है। And I have no milk to give him, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand,
और वह अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज खींचते हुए वहां खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड, तब शंकु ने देखा हर बेली बल्गिंग आउट, उसके उभरते हुए पेट को। तब शंकु ने उसके उभरते हुए पेट की ओर ध्यान दिया। बेली का मतलब पेट होता है, बल्गिंग आउट का मतलब उभरते हुए। और कहता है कि वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या एक और बोझ चला आ रहा है, यानी कि उसके इतने सारे बच्चे पहले से ही थे और इतना खर्चा था उसका, वो इतना ज़्यादा उधार हो गया था, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। तो कहता है कि क्या एक और बोझ चला आ रहा है। शंकु वॉज स्टन्ड, यानी कि शंकु सन्न रह गया। जैसे इसकी इंग्लिश है स्टन्ड, वैसे इसकी हिंदी भी है सन्न। तो शंकु वॉज स्टन्ड अर्थात शंकु सन्न रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही कोसा, या कह सकते हैं अपने आप को गाली दिया। एंड विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह अपनी फैक्ट्री की ओर चल दिया। और एक गहरी आह के साथ वह अपनी फैक्ट्री की ओर चल दिया। तभी फिर क्या हुआ, फिर उसकी बीवी कहती है कि लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड, और शंकु ने अपना सिर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चल दिया। तो फ्रेंड्स, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जल्दी ही आपको इसका सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।